दोस्तों सोचिए, क्या हो अगर आपके मोबाइल पर आए एक लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखने से आपकी मौत हो जाए? तो घबराइए नहीं, दरअसल आज जिस मूवी को मैं समझाने वाली हूँ वो 2022 में आई एक जापानीज हॉरर फिल्म है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। दोस्तों जापान में अक्सर माएं अपने बच्चों को कहती है, सो जा बेटा वरना सडाको आ जाएगी, और ये सुन वहाँ बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। दरअसल इस फिल्म में दिखाया जाता है कि आखिर कैसे सडाको नाम की एक चुड़ैल इंटरनेट पर एक श्रापित वीडियो देखने वाले सभी लोगों को अगले 7 दिनों के अंदर ही अपना शिकार बना लेती है। पिछले कई सालों से ये भूतनी कहीं गायब थी, मगर अब ये फिर एक बार वापस आ चुकी है और पहले से भी ज्यादा खूंखार हो चुकी है। अब ये अंतर 7 दिनों का नहीं बल्कि केवल 24 घंटों का ही रह गया है। ये मूवी वाकई में आपको डरने पर मजबूर कर देगी, मगर इस श्रापित वीडियो का सच जानने के इरादे से अयाका, जो कि एक तेज दिमाग और अनोखी लड़की है, अयाका का IQ लेवल पूरे 200 तक का बताया गया है, जो कि किसी भी साधारण इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। यही नहीं, इसके पास एक और खूबी भी है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अयाका इस श्रापित वायरल वीडियो का सच पता लगा भी पाती है या बाकी लोगों की तरह ही सडाको का अगला शिकार बन जाती है। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट सीन की, जिसमें एक घर को दिखाया जाता है। इस घर में रहती है दो बहनें, अयाका और फुटाबा, साथ ही उनकी मॉम चीको भी यही रहती है, जिनके पति यानी अयाका के डैड काफी पहले ही मर चुके थे। जब अयाका सुबह सुबह नाश्ते के लिए अपनी मॉम के बनाए टेस्टी एक ऑमलेट का इंतजार कर ही रही होती है, तभी उसकी नजर टीवी पे दिखाई जा रही एक ब्रेकिंग न्यूज पे पड़ती है, जिसके हिसाब से इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 39 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आती है। पुलिस की जांच चल ही रही थी कि उसी सुबह 7 बजे कंस्ट्रक्शन साइट पे ओजामू नाकाटानी नाम के एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। अयाका इस केस के बारे में जानकारी निकालती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस लड़की की डेथ हुई थी वो 28 साल का था, मगर उसके मरने की वजह साफ नहीं हुई थी। इंटरनेट पर इस मामले से जुड़ी जानकारियां पढ़ते हुए उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे पर वो भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। दरअसल उसे इंटरनेट पर एक रिपोर्ट के जरिए एक वायरल श्रापित वीडियो के बारे में पता चलता है, जिसका उन लोगों की मौत से कोई ना कोई संबंध तो जरूर था। अगले सीन में वो अपने काम से कहीं बाहर जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि अयाका का IQ स्कोर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा है और उसके पास एक अनोखी खूबी भी है। दरअसल अयाका कोई भी नजारा देखते ही वहाँ मरने वाले लोगों को भी देख लेती है। अब इस रैपिड वीडियो की खबर जापान के सभी न्यूज चैनल्स में तेजी से फैलने लगती है और मेन रोड की न्यूज बिल्डिंग्स पे भी सडाको नाम की चुड़ैल को दिखाया जा रहा होता है। मगर अयाका को ऐसे किसी भी श्राप पर बिल्कुल यकीन नहीं था और उसका मानना यही था कि हो न हो ये सभी लोग जरूर किसी तेजी से फैलने वाली किसी बीमारी का शिकार हुए होंगे, जैसा कि कोरोना वायरस में हुआ था, जिसके बारे में पता लगाना पूरी दुनिया के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया था। अयाका एक टॉक शो में एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइटेड होती है। हमें सीन में पता चलता है कि वो काफी मशहूर थी। वहाँ उसका एक दोस्त उससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सवाल करता है, जिसका जवाब वो बहुत ही आसानी से दे देती है, और हमें बताया जाता है कि उसका IQ लेवल बहुत ज्यादा यानी पूरे 200 तक का था। उस टॉक शो में केंशिन नाम का आदमी भी मौजूद होता है। केंशिन सभी को बताता है कि आज से कुछ सालों पहले इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसे देखने के महज एक हफ्ते के भीतर ही लोगों का कत्ल हो जाता था। उसके अनुसार ये सब एक सडाको नाम की चुड़ैल का किया धरा था। वो कहता है कि वो फिर से वापस आ गई है और इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो चुकी है, क्योंकि इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसे देखने के साथ नहीं बस एक ही दिन के अंदर अंदर ही लोग मारे जाते हैं। वो कहता है कि उस वीडियो को वायरल होने से रोकना बहुत जरूरी है, वरना एक एक करके सभी लोग मारे जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर अयाका कहती है, मुझे तुम्हारी इस बात पे विश्वास नहीं है और मैं किसी सडाको नाम की चुड़ैल के वजूद को भी नहीं मानती। उसके इस जवाब को टीवी पर सुन उसकी मॉम और सिस्टर उसकी तारीफ करती है और कहती है, जो लिपस्टिक उसने लगाई है वो मैंने ही उसे दी थी। अयाका का मानना था कि उन लोगों की मौत किसी श्रापित वीडियो को देखने से नहीं बल्कि या तो चुड़ैल के हाथों मारे जाने के डर से हुई होगी, या फिर जरूर कोई ना कोई वायरस से फैलने वाली बीमारी ही इसके पीछे की वजह थी। मगर केंशिन अपनी बात पे टिका रहता है और वो भी अयाका पे यकीन नहीं करता। कुछ ही समय में शो को लाइव देख रहे लोग
ढेर सारे कमेंट्स करके अयाका से इस बात को प्रूव करने के लिए कहते हैं। कमेंट्स चेक करते वक्त अयाका की बात किसी अनजान लड़के से होती है और वो दोनों इस बारे में एक दूसरे से चैट करते हैं, मगर उस लड़के ने अपनी रियल आइडेंटिटी को सोशल मीडिया से छुपा रखा है क्योंकि वो किसी को भी अपना असली नाम या एड्रेस नहीं बताना चाहता है। अयाका जब लंच करने के बाद केंचन से बात करती है तो वो उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है, मगर अयाका साफ शब्दों में उसका जवाब देती है, जिसके बाद केंचन एक बार फिर शो पे कही श्रापित वीडियो की बात दोहराता है। मगर अयाका अभी भी प्रूवन फैक्ट्स को ही सच मानती है, न कि किसी के फैलाए गए झूठे वीडियो को। उसके इस जवाब को सुनने के बाद केंचन अपनी बात को प्रूव करने के लिए जाते जाते अयाका को उसी श्रापित वीडियो की एक कॉपी भी देता है, मगर ये उसे कहां से मिली उसका कोई जवाब नहीं देता। शाम को घर वापस आकर अयाका अपनी बहन फुटावा और मोम को भी वो वीडियो कैसेट के बारे में बताती है। डिनर करते टाइम अयाका अपनी माँ को उनकी डेड की ग्रेव को विजिट करने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है ये जानने के लिए फुटावा अकेले हॉल में बैठकर इसी कर्स्ड वीडियो को देखने लगती है। वीडियो प्ले होते ही उसमें एक पुराने कुएं के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें से कोई बाहर निकलकर आ रहा होता है, और तभी उस वीडियो में फुटावा को खुद का घर दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही डर जाती है। जब वो घर के बाहर दरवाजे पे जाकर चेक करती है तो वहाँ से कुछ ही दूर उसे एक लंबे काले बालों वाली लड़की डरावनी से चुड़ैल सदा को दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उसके मरने से पहले के 24 घंटों का काउंटडाउन शुरू होता दिखाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा कोई डरावना सपना आया है? अगर हाँ तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। अगले सीन में आईचेन नाम की एक लड़की का बॉयफ्रेंड ओईजी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जिसको वो श्रापित वीडियो देखे 24 घंटे पूरे होने ही वाले थे और वो शायद अपनी लाइफ का आखिरी वीडियो बना रही होती है। तो दोस्तों, जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है वो अचानक अपना गला कुछ ऐसे पकड़ती है जैसे मानो कोई भूत उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा हो, जबकि ओईजी को कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि कहीं आईचेन उसके साथ मजाक तो नहीं कर रही है। मगर थोड़ी ही देर में आईचेन मर चुकी थी। अगले दिन फुटावा स्कूल तो जाती है पर उसके दिमाग में सराको का डरावना साया घूम रहा था, और जब वो वैसी सफेद ड्रेस पहने नीचे खड़े किसी शख्स को देखती है जो बहुत अजीब तरह से उसे घूर रहा होता है तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। दूसरी ओर अयाका भी अपनी क्लासेस अटेंड करके इंटरनेट पे वायरल आईचेन के बॉयफ्रेंड का शूट किया वीडियो देखती है और उसे भी समझ नहीं आता है कि आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। स्कूल की क्लास ओवर होने के बाद फुटावा अपनी बहन अयाका को फोन करके सब कुछ सच सच बताती है कि कैसे उसने रात 10 बजे छुपकर वही श्रापित वीडियो कैसेट देखी थी जो केंचन ने अयाका को दी थी, और अब उसे सदाको का भूत असलियत में नजर आ रहा होता है। हालांकि जब फुटावा उस बाहर खड़े शख्स को गौर से देखती है तो वो सदाको नहीं बल्कि उनके स्कूल टीचर मिस्टर शीजू होते हैं, जो कि गंजे और आधे सनकी थे। पर फुटावा की दोस्त उसे बताती है कि मिस्टर शीजू तो कुछ दिनों से स्कूल आ ही नहीं रहे क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में ही भर्ती है। अब फुटावा को समझ आ गया था कि वो सिर्फ उसी को नजर आ रहे थे, मगर अयाका उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब फुटावा के पास केवल 6 घंटे और 28 मिनट ही बचे थे और उसे बहुत डर लग रहा था। अयाका सीधा केंचन के घर जाती है जहाँ बहुत सारी किताबें और जादू का सामान पड़ा था। जब अयाका उसकी सेक्रेटरी से बात कर ही रही होती है कि तभी बाहर से एक लड़के की चीखने की आवाज आती है, और वो बाहर जाकर देखते हैं यह लड़का और कोई नहीं बल्कि ओईजी था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड आईचेन के साथ उसी श्रापित वीडियो को देख लिया था। इससे पहले कि सराको उसे मारने आए वो खुद छत से कूदकर अपनी जान देने जा रहा था। केंचन आकर उससे मदद करने की बात कहता है, और तब हमें पता चलता है कि ओईजी ने ही आईचेन को वो वीडियो सेंड किया था। वो केंचन से पूछता है कि क्या यह बात सच है कि अगर वो इंसान जिसने इस श्रापित वीडियो की कॉपी किसी और को शेयर करके उसे दिखा दी तो उसका श्राप उसके ऊपर से हटकर उस दूसरे इंसान को लग जाएगा और वो खुद सराको से बच जाएगा।
ओजी के पास सिर्फ 4 घंटे बचे थे, इसलिए केंशिन बिना टाइम वेस्ट किए उसे उस श्राप से बचाने के लिए एक रिचुअल करता है। अयाका भी इस रिचुअल को देखने के लिए वहाँ रुकती है, क्योंकि वो भी अपनी छोटी बहन फुटावा को कैसे भी करके बचाना चाहती है। रिचुअल शुरू होते ही केंशिन अपनी तलवार को निकाल कर माथे पे लगाता है और उसकी असिस्टेंट वही श्रापित वीडियो चलाती है, जिसे इस बार ओजी, अयाका और केंशिन तीनों देखते हैं। मगर केंशिन टीवी स्क्रीन को कवर कर रहा होता है। उस वीडियो में सडाको उस कुएं से निकलकर केंशिन के इसी घर की तरफ आने लगती है और वो वीडियो पूरी हो जाती है। अयाका ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये जगह उस वीडियो में कैसे आ रही थी। ओजी उसे कहता है कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं, सडाको का साया 24 घंटों तक उसका पीछा करता है और फिर समय खत्म होते ही उन्हें मार डालता है। केंशिन के हिसाब से ओजी अब श्राप से बच चुका है, मगर रिचुअल करते टाइम अयाका और केंशिन ने भी वो श्रापित वीडियो देख लिया होता है और उनके 24 घंटे अब शुरू हो चुके हैं। इसलिए अयाका उससे बचने के लिए जानकारी हासिल करने बाहर चली जाती है। ओजी भी उसे फॉलो करने लगता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। वो अयाका को बताता है कि उसने एक वेबसाइट पे पढ़ा था कि अगर कोई उस वीडियो को 24 घंटे पूरे होने से पहले किसी और को सेंड करके दिखा दे तो उसका श्राप हटकर उस दूसरे को लग जाता है। मगर अयाका का मानना अभी यही था कि यह सब किसी जानलेवा वायरस के कारण हो रहा है, क्योंकि जानलेवा वायरस भी अपने होस्ट को मारने से पहले अपने अगले विक्टिम को ढूंढता है। अयाका को फुटावा की चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपनी मोम को फोन करके फुटावा के साथ रहने के लिए कहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ओजी को वो वीडियो देखे 24 घंटे होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे और ये याद आते ही उन्हें कॉफी सर्व करने आई वेट्रेस की आवाज़ सुनते ही वो सहम जाता है। अब फुटावा के पास आखिरी 2 घंटे रह गए थे। वो जहाँ भी जाती वहाँ व्हाइट ड्रेस पहने हुए वो आदमी हर जगह उसका पीछा कर रहा था। मगर अब जो होता है दोस्तों, वो बाकी किसी के भी साथ होने पर उसका डरना तो पक्का है। दरअसल उस गंजे आदमी के सर पे अचानक बाल आने लगते हैं और देखते ही देखते उसके सर झटकते ही वो बाल लंबे होते दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखते ही फुटावा डर कर भागने लगती है और उसकी मोम उसे रास्ते में मिलती है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और वो चुड़ैल खुद को घसीट घसीट कर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, जबकि उसकी मोम को वो नहीं दिख रही थी। फुटावा वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ भागने लगती है। अगले सीन में ओजी को चैन की सांस लेने का मौका मिलता है, क्योंकि 24 घंटे पूरे होने के बाद भी वो सेफ था, जिससे ये साबित होता है कि हो ना हो मगर केंशिन के रिचुअल ने ही उसे सडाको के श्राप से बचाया था। अब अयाका को कैसे भी करके अपनी बहन फुटावा को सडाको से बचाना था। तभी उसे उसी हॉल में बने ऑनलाइन फ्रेंड केंडेन का वीडियो कॉल आता है, जिसमें उसने अपने फेस और वॉइस दोनों को किसी इफेक्ट की मदद से चेंज करा हुआ था। वो उसे बताता है कि उसे आईचेन की डेथ की वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि उसकी मौत का कारण हेलुसिनेशन हो सकती है, जिसमें श्राप से डरे हुए लोगों को वो सब चीजें दिखने लगती है जो मरने से पहले उनके दिमाग में घूम रही हो, फिर चाहे वो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हो। इसी के चलते वायरस पूरी तरह उनके दिमाग पर हावी हो जाती है और उन लोगों की ऐसी ही डेथ हुई होगी, मगर ये महज एक अंदाजा ही था। इसलिए इस वायरस को स्टडी करने के लिए किसी को उस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। अयाका तो फ्लैशबैक में जाकर अपने डेड को याद करती है, जिन्हें वो कुछ साल पहले ही खो चुकी थी। मगर अपनी बहन फुटावा को बचाने के लिए अयाका ओजी के साथ उसके घर जाकर उसी श्रापित वीडियो को खुद फिर से देखती है। फुटावा अपनी मोम के साथ अपने घर तो जाती है, लेकिन वहाँ भी सडाको का आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती और जैसे ही फुटावा दरवाजा बंद करने लगती है तो वो आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी मोम को इस वीडियो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो फुटावा का अचानक डरना और अजीब अजीब हरकतें करना समझ नहीं पा रही थी। जैसे जैसे फुटावा के मरने का समय पास आता जाता है तो वो चुड़ैल उनके घर के अंदर आ जाती है, मगर उसकी माँ चीको को सडाको की आत्मा नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ अयाका जब वीडियो देख रही होती है तो ओजी भी उसे देखने लगता है और उन्हें वीडियो में ओजी के घर की बिल्डिंग दिखती है। डर के मारे ओजी की हालत खराब होने लगती है कि तभी अचानक फोन की घंटी बजती है, जिसमें केंडेन उन्हें कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वीडियो देखने से कोई फायदा होगा। मगर अचानक से अयाका को कुछ सूझता है, वो फुटावा को कॉल करती है लेकिन फुटावा उसका फोन नहीं पिक करती, इसलिए वो उसे टेक्स्ट करती है। घड़ी में पूरे 10 बज चुके थे, यानी वीडियो को देखे पूरे 24 घंटे हो गए हैं। ओजी अयाका से कहता है कि तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा।
कि कुछ सवालों का जवाब किसी इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिल सकते। अगर तुम अपनी बहन को केंचिन के पास ले जाते हो तो शायद उसकी जान बच सके। तभी अयाका को उसकी मोम फोन करके बताती है, अयाका अब फुटावा बिल्कुल ठीक है और तुमने मुझे जो वीडियो देखने को कहा था मैंने वो पूरा देख लिया। यानी कि अब श्राप उनकी मोम को लग चुका था। अयाका राहत की सांस लेती है और उसे अब यकीन था कि सराको रियल नहीं थी और केंचिन झूठ बोल रहा था। उसे समझ आ गया था कि एग्जोसिस्म करने की जरूरत नहीं थी और वो सोशल मीडिया पे केंचिन को एक्सपोज करके बताती है कि केंचिन सराको के भूत की झूठी अफवाह फैलाकर एक्सोसिज्म के नाम पर लोगों से पैसा कमाना चाहता है। और रही बात वायरस की, तो इन्फेक्टेंस को जितना हो सके उतना इस वीडियो को दूसरे से शेयर करना चाहिए या किसी और को उसे दिखाना चाहिए। ऐसा करने से वो बच सकते हैं। इसके बाद अयाका घर जाकर अपनी बहन को हग करती है और दूसरी तरफ केंचिन ड्रिंक करते करते अयाका के पोस्ट पे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता है और तभी उसे शीशे में अपनी डेड की आत्मा की झलक दिखाई देती है। वह दूसरी ओर केंडन अयाका को एक ओल्ड शाइन की फोटो शेयर करता है जिसके बारे में जानने के लिए अयाका अपनी विजन देखने की एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जिसमें उसे केंचिन का घर दिखाया जाता है। और गौर करने के बाद अयाका नोटिस करती है कि केंचिन की तलवार पे भी ठीक वही निशान बना था जो कि श्रापित वीडियो वाले केस के कैसेट पे था। उसे समझ आ गया था कि इस श्रापित वीडियो के पीछे केंचिन का ही हाथ था। अगले दिन वो और ओइजी जाकर केंचिन से इसके बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये वीडियो मेरे डेड को मिली थी और ये वही वीडियो थी जिसे देखने के बाद सराको 7 दिनों के अंदर ही उस इंसान को मार देती थी। मैंने उस वीडियो की एक कॉपी चुराकर अपने पास रख ली थी मगर ओइजी ने ही उसे अनजाने में इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। मगर वो ये भूल गया था कि ओइजी का एक्सोसिज्म करते वक्त वो श्रापित वीडियो खुद भी देख चुका था और अब उसे वो वीडियो देखे पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। जी हाँ दोस्तों, केंचिन को उसकी डेड की आत्मा दिखती है जिससे बचने के लिए वो उस कैसेट को डिस्ट्रॉय कर देता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आत्मा के बाल लंबे होने लगते हैं और वह हवा का झोंका आता है और अगले ही पल केंचिन एक जंगल पे पहुंच जाता है। उसके सामने वही कुआं होता है जो कि उस वीडियो में लोगों को दिखता है और उसमें से सराको बाहर निकलती है। केंचिन की बहुत बुरी तरह फटने लगती है। उसके बाद सराको अपने बालों से उसका गला दबाती है मगर अयाका और ओइजी को ये सब नहीं दिख रहा था। अगर उन्हें कुछ दिख रहा था तो वो ये कि केंचिन अपना गला किसी से छुरा रहा था। इसके बाद वो चुड़ैल केंचिन को कुएं में गिरा देती है और कुछ यूं केंचिन की मौत हो जाती है। और यहाँ अयाका पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर केंचिन को किसने और क्यों मारा था। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि सिर्फ किसी और को उस वीडियो की कॉपी सेंड करने से जान नहीं बच सकती। कुछ ही मिनटों में लोगों ने केंचिन की मौत की खबर पर रिएक्ट करके कमेंट सेक्शन को पूरा भर दिया था और अब न चाहते हुए भी अयाका को मानना ही पड़ता है कि केंचिन की मौत किसी वायरस की वजह से तो नहीं हुई थी। तभी अंधेरा होना शुरू होता है और ओइजी को उसकी गर्लफ्रेंड आईचेन की आत्मा दिखती है जो कि उसके करीब आने लगती है और अयाका को उसकी मोम की आत्मा दिखती है क्योंकि उसके पास भी केवल 3 ही घंटे बचे थे। अयाका और ओइजी दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कुछ देर भागने के बाद वो दोनों बहुत थक जाते हैं। ओइजी थक कर नीचे बैठता है तभी अयाका अपने तेज दिमाग पर जोर डालकर सोचती है और तब उसे याद आता है कि उन दोनों ने ओइजी के घर पे वही श्रापित वीडियो देखा था और उनके पास भी 3 घंटे से भी कम समय था। अब कहीं ना कहीं अयाका समझ चुकी थी कि इस श्राप से बचा जा सकता है मगर तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। भागकर वो दोनों स्कूल के पीछे वाले उसी श्राइन में पहुँचते हैं जिसे उसने केंडन की नई फोटो में देखा था। वहाँ बहुत अंधेरा था और तभी उन्हें एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक लड़का दिखता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद केंडन था। उन दोनों के पास बहुत कम समय बचा था। उसी दौरान उन्हें वो कंप्यूटर मिलता है जिसकी मदद से केंचिन ने उस कैसेट में अपनी तरह से कुछ बदलाव किए थे। अयाका अपनी मोम और फुटावा को भी श्राइन में आने के लिए कहती है क्योंकि उन दोनों ने भी उसी समय वो वीडियो देखा था। और जब ये दोनों श्राइन जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका सामना आत्माओं से होता है। अचानक उसकी मोम को अपने पति की आत्मा उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती है।
और अब उन्हें भी यकीन आ जाता है कि वाकई इस वीडियो को देखने से आत्माएं पीछे पड़ जाती है। फुटावा उन्हें कहती है कि फटाफट गाड़ी चलाओ वरना हम मारे जाएंगे। उनके पास केवल 28 मिनट ही बचे थे। केंडन उस वीडियो प्लेयर को जलाने की कोशिश करता है। यहाँ चीको को अपने पति और फुटावा को अपनी दीदी अयाका की आत्मा दिखती है जो कि उनकी गाड़ी का पीछा करती है और अचानक उनके गाड़ी के शीशे पे चढ़ जाती है। दूसरी तरफ ओइजी और अयाका को वीडियो देखे 24 घंटे बीतने ही वाले थे। ओइजी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तभी आईजेन की आत्मा अचानक रूप बदलकर अयाका का रूप ले लेती है। ओइजी डरते हुए केंडन से कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, और तब केंडन उन्हें बताता है कि वो पूरे 10 सालों बाद अपने घर से बाहर निकला था। इसने इन 10 सालों तक खुद को घर की 4 दीवारों में ही कैद करा हुआ था। केंडन अपनी दवाइयाँ खाने लगता है। ये देख अयाका का तेज दिमाग फिर चलता है कि इसका मतलब लोगों की दिनचर्या में बदलाव लाने का है। उसे केंशिन की कही पुरानी बातें याद आती है, यानी जिसने भी वो श्रापित वीडियो एक बार ही देखा था उसकी मौत अगले 24 घंटे के अंदर हो जाती थी। मगर जब ओइजी, फुटावा और खुद अयाका ने दो बार उसी वीडियो को देखा था तो उनकी जान बच गई थी। मतलब साफ हो गया था कि उस कर्ज से बचने के लिए उन्हें उसी वीडियो को 24 घंटों के अंदर ही एक बार फिर पूरा देखना होगा। मगर अभी तक अयाका को सडाकू के भूत पे विश्वास नहीं था। उसके बाद फुटावा और चीको फाइनली वहाँ पहुँचते हैं और वो तीनों वीडियो प्लेयर को सेटअप करते हैं ताकि सभी वीडियो को देख सके। मगर उन्हें उस कैसेट की कॉपी नहीं मिल रही थी। थोड़ा ढूंढने के बाद जल्दी ही उन्हें कॉपी मिलती है और तब वो वीडियो चलनी शुरू होती है और कुआ नजर आता है जिसमें से सडाको बाहर आने लगती है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो आत्माएं जो उनका पीछा कर रही थी वो उन तक पहुंच जाती है। तभी अयाका, ओइजी, फुटावा और चीकू के सामने एक हवा का झोंका आता है और वो चारों खुद को जंगल में पाते हैं। ये सब देखने के बाद अयाका पूरी तरह शॉक थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो सामने देखती है तो उसे वीडियो में दिखने वाली वेल नजर आता है और असली दुनिया में केंडन पूरी तरह ठीक था क्योंकि उसने वो वीडियो पहले नहीं देखा था। वो उन चारों को टीवी के सामने खड़ा करके उनकी आंखें खुली रखने की कोशिश करता है ताकि उन्हें पूरी वीडियो दिखा सके। उस वेल से सडाको बाहर निकलती है जिसे देखते ही अयाका को अब इस श्रापित वीडियो पे यकीन हो जाता है कि सडाको ने ही उन लोगों को मारा था, न कि किसी वायरस ने उनकी जान ली थी। सडाको क्राउल करके आगे बढ़ती है और देखते ही देखते उसके बाल लंबे होते जाते हैं और उन्हीं बालों से वो उन चारों का गला दबाने लगती है और उन्हें उस कुएं की तरफ खींचती है। केंडन को समझ नहीं आता कि आखिर उस दुनिया में उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उसे मालूम था कि किसी भी पल उनकी जान जा सकती है। सडाको उन्हें नीचे गिराने के लिए उनके सर को नीचे दबाती है मगर खुशकिस्मती से वो पूरा वीडियो खत्म हो जाता है, इसलिए सडाको की आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो उसी वेल में वापस घुस जाती है। वो सभी होश में आ जाते हैं और केंडन की मदद से उन्होंने 24 घंटे पूरे होने से जस्ट 1 मिनट पहले ही वो वीडियो फिर से देख लिया था। देखने वाली बात ये थी कि उस वीडियो के लास्ट सीन में उन्हें वही श्राइन दिखता है जिसमें वो खड़े थे, यानी साफ है कि उन्हें सडाको के भूत से बचने के लिए 24 घंटे होने से पहले एक बार फिर उसी वीडियो को देखना होगा। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।